वो सुन के ही बहुत वियर वियर पोजीशंस मेरे दिमाग में आने लगे। ये नॉटी नॉटी यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मुझे ये शो देखना पड़ा। लेकिन क्या करें, पैसा भी तो कमाना है, वीडियो जो बनानी थी। खैर, कभी तुम्हारा मूड खराब हो और तुम्हें अपना मूड और ज्यादा खराब करना है तो कुछ नहीं, ये शो देख लो। कसम है तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चों की, और जो वर्चुअली हो चुके हैं, तुमने तुम्हारे पड़ोसी का सर फोड़ देना बिना किसी बात के। गधों की दौड़ में मुझे लगता था कि बिग बॉस सबसे आगे दौड़ रहा, लेकिन अब पता चला कि उसी दौड़ में स्पिरिट्स मिला बिग बॉस को पीछे छोड़ के आगे निकल चुका। नहीं मतलब ये शो इतना ज्यादा रियलिस्टिक है जितना कि अंडरटेकर की 7 जन्म वाली थ्योरी, जिसपे मैं 8वीं तक बिलीव करती थी, लेकिन फिर पता चला कि वो हमारा काट रहे थे। लेकिन तुम अब भी नहीं समझ रहे हो कि ये शो वाले भी तुम्हारा काट ही रहे हैं। ये शो का 13 सीजन है। पिछले 12 का भी कोई सेंस था नहीं। इस शो में लोग अपना प्यार ढूंढने आते हैं, क्यों कहीं खो गया था क्या? और इनका प्यार कुछ ज्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जो 10 लोगों में ढूंढ लेते हैं। यहाँ साला 137 करोड़ में नहीं मिलता किसी को, ये 10 लोगों में ढूंढ ले रहे, वो भी टूरू लव शिद्दत वाला प्यार जो शो के आखिरी तक ही चलता है। बस समझ रहे हो, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का गरम कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले से नागिन निकाली। दिस शो कैन क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस। के पांव पे रखने पैर, पांव से पांव ज्वाइन करना है। इसके पांव से पांव मैं कैसे लाइफ में ज्वाइन कर पाऊंगा? ऐसे प्यार मिलता है? मतलब शाहरुख खान ने सारी ट्रेनिंग गलत दी है। दिल से दिल मिलना जरूरी नहीं है, पैर से पैर मिलना चाहिए। एकता कपूर ने कूड़ा बनाया, लेकिन उस कूड़े में भी कहानी थी। माना कि वो कहानी भी कूड़ा ही थी, मगर कहानी तो थोड़ी सी थी ना। लेकिन इस शो में ना कहानी है ना कुछ, और सेंस की हम बात ही क्यों करें? मतलब सीधा सा हिसाब है, फैशन के दौर में कहानी का क्या काम? इस पूरे शो में छोटे मोटे गेम खिलाए जाते हैं। नहीं, अगर गेम खेलने से ही प्यार मिल रहा होता तो सब में ज्यादा कपल ना द केसेस कासल में बन रहे होते। और एक मिनट, अगर तुम इस शो के फैन हो ना तो कसम से जब IQ बढ़ रहा होगा तो तुम लाइन में सबसे पीछे से फर्स्ट होगे, क्योंकि ये शो देखने के लिए तुम्हें तुम्हारा दिमाग लॉकर में बंद करके रखना अति आवश्यक है। और तुम्हें अगर इतना सा भी दिमाग है ना तो ये स्पिरिट्स वाला TV पे नहीं होना चाहिए था, मे बी एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर तो। और जितनी इस शो की IMDb रैंकिंग है ना, इससे कई ज्यादा तो मेरे 10वीं के CGPA थे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। Every single guy was well built, सबके abs थी, everyone was muscular. लगता है हमारे यहाँ 6-pack abs वाले लड़कों को ही प्यार की तलाश है, बाकी सब तो चल दिए हैं हिमालय की चोटियों में तपस्या करने। क्या ही रखा इस सब मोहमाया में, समझ रहे हो? और इनके लिए शो अच्छा और बुरा नहीं होता, इनके लिए शो होता है हॉट और हॉटर। अब पता नहीं ये शो बना रहा है या फिर चूल्हे पे सब्जी। अगर ओलंपिक्स में स्टुपिडिटी भी कोई स्पोर्ट्स होता ना तो स्प्लिट्स विला हमारा गोल्ड लेके आता, फिर तो इंडिया में गोल्ड की बारिश हो रही होती भाई मेडलों की। अरे नहीं भाई, मजाक से हटके तो अब बात करते हैं इस शो के कॉन्सेप्ट का। तो इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। एक मिनट, इस शो का कॉन्सेप्ट भी है? तौबा तौबा, क्या बोल दिया मैंने। खैर, जो भी है कुछ इस प्रकार है। इस शो में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां आते हैं प्यार की तलाश में। वैसे तलाश तो इनको बुद्धि की भी होनी चाहिए। वो भी तो कम है, खैर कोई बात नहीं, अपने अपने शौक है लोगों के। और फिर वो गेम खेल के प्यार करते हैं, लेकिन हमने तो सुना था प्यार में गेम खेले जाते हैं। इस शो में वो सब कुछ है जो एक शो में कतई नहीं होना चाहिए। मिसोजिनी, न्यूडिटी, सेक्सिज्म और भी बहुत कुछ। पर अगर ये सब है तो एक चीज की तो गारंटी है, व्यूज ही व्यूज होंगे, क्योंकि हमारी जनता को और क्या देखना है। नटी नटी। एक लड़की लड़के को पसंद करने के लिए क्या क्या देखती है? ओपन माइंडेड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इक्वालिटी में बिलीव करता हो। लेकिन नहीं, इस शो के हिसाब से लड़की लड़के में उसके एब्स, 16 का डोला और 36 इंच की छाती देखती है। अभी इन्हें कोई बताओ, यहाँ पे WWE के ऑडिशन नहीं चल रहे, यहाँ लड़का ढूंढ रहे हो आशिकी करने के लिए। बहुत अच्छा, इसे हम अश्लीलता नहीं बोल सकते, इसे टास्क बोलना जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक एक्साइटिंग टास्क के बाद, बात तो प्यार ढूंढने की हुई थी, ये तो बड़े ही ढूंढने लग गए। अच्छा, ये लकड़ियां काट के सीढ़ी बना रहे हैं, फिर वही सीढ़ी से लड़की के दिल की सीढ़ी पे चढ़ेंगे। कसम से ऐसा लॉजिक रहा ना इनका, लॉजिक ने आत्महत्या कर ली। नहीं हॉट वॉट नहीं हूँ मैं, आई एम क्यूट।
ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां हॉट होती हैं? गैस पे बैठी है क्या वो, या फिर ये थर्मामीटर लेके दौल रहे हैं? टच किया, ओ इसका पारा तो हाई, ये तो हॉट है। नहीं मतलब इन्होंने लड़कियों को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई किया है ना पूरे शो में, लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी। पूरा शो ही ऑब्जेक्टिफिकेशन से चल रहा है भाई साहब। अरे नहीं भाई। घबराओ नहीं, ये खतरों के खिलाड़ी नहीं है, ये स्पिरिट्स विलाई है। लोग प्यार में सल्फाज खाते हैं तो मत खाना, ये मिर्च पिए जा रहे हैं। खैर प्यार भी तो साबित करना है ना, मगर असर सुबह पता चलेगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मुझे तो लग रहा था ये वाला डांस लोग शादी ब्याह में ही करते हैं, लेकिन स्पिरिट्स विला में मिर्च पीने के बाद भी करते हैं लोग। वाह क्या रंगीन लोग हैं। वाह क्या सीन है। कंफ्यूज मत हो, ये दंगल 2 की शूटिंग नहीं चल रही है, ये हमारे गीत बबीता लाइव है। वहाँ सियाचिन में जवान देश के लिए लड़ रहे हैं और ये यहाँ टीवी पे अपने प्यार के लिए लड़ रही हैं। हमारे देश में आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़कियों के ऊपर होती हैं, जहाँ लड़कियों को पता भी नहीं होता कि उनके चक्कर में दो लड़के कूट चुके हैं, वही ये दोनों लड़कियाँ लड़ रही हैं लड़के के लिए। अब तुम बोलोगे तो टास्क के लिए लड़ रही हैं, लेकिन एट द एंड बात लड़के पे ही आएगी। सही पकड़े हैं। चैलेंज का नाम है लव लॉन्ड्री। आप लोग आज लड़कियों के कपड़े धोएंगे। रिवर के बीचों बीच एक राफ्ट है, राफ्ट दोनों तरफ से बंधी हुई है, कैंची एक बीकर के अंदर है। राफ्ट के ऊपर लड़की खड़ी होगी, लड़के लड़कियों के कपड़े पहनकर नदी में छलांग मारेंगे जिससे वो कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसको उतार के वो लड़कियों को पकड़ा देंगे। लड़कियां कपड़े निचोड़ कर पानी का लेवल ऊपर बढ़ाएंगी, जब ऊपर बढ़ाएंगी सीजन मिल जाएगी, आप काटेंगे और उसके बाद लड़की और आप दोनों राफ्ट के ऊपर होंगे और आप नदी के किनारे आकर ये गोंग बजाएंगे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जितना वाहियात इस शो का नाम है उससे कई गुना ज्यादा वाहियात इसके टास्क के नाम है। लव लॉन्जरी, स्पर्म डैश, किस किस को, आओ चिपको। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा ये टास्क के नाम बता रहे थे या फिर न्यूज वालों के लिए। आप लोगों ने सुना होगा लड़का प्यार में डूबा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। लड़का लड़की के कपड़े पहन के नदी से होता हुआ जाएगा लड़की के पास, शायद इसका मतलब ये हो नदी में उतरने का कि वो अपने प्यार की गहराई ना पाओ और फिर वो लड़की उस कपड़े को निचोड़ेगी। ये है लड़के का प्यार में डूबना। भाई क्या दिखा रहे हैं ये, कुछ भी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज है। क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज है। स्क्रैच मैच एंड विन। अबे कहां से ढूंढ के ला रहे हैं ऐसे ऐसे नाम, ये अलग ही इन्वेंटरी चल रही है इनकी। ये इनकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब बंदे स्क्रैच करके कुछ जीते या ना जीते, लेकिन शाम तक पिछवाड़ा लाइक अ मंकी का टाइटल तो जीत ही लेना है, बेचारे को इतना घिस रहे हो। ऐसे प्यार ढूंढने की वजह से ही ना लोग अब टिंडर पे ही ब्लाइंड डेट कर लेते हैं, इतनी मेहनत कौन करे भाई। शुक्र है अरेंज मैरिज नाम की भी चीज है दुनिया में, वरना अगर ऐसे लव मैरिज हो रहे होते फिर तो हो ही जाना था कांड भाई, इतनी मेहनत कौन करे, बेचारा पिछवाड़ा घिसवारा। सो गाइस आज की वीडियो के इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, फॉलो भी कर देना। थैंक यू यार, मुझे इतना तेरी भैंस किया। कंफ्यूज मत हो, ये दंगल 2 की शूटिंग नहीं चल रही है, ये लड़का लड़की के कपड़े पहन करके नदी हो से तैरते हो।